आज राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी कोविड अस्पताल के निरीक्षण के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने मरीजों से फोन पर वीडियो कॉलिंग के जरिए बात की है। इस अस्पताल में 175 कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि 2 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अस्पताल से कोरोना का इलाज करवाने के बाद 95 मरीज डिस्चार्ज होने वाले हैं। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि हमारे यहाँ कोरोना मरीज बहुत तेजी से ठीक हो रहे हैं और दूसरे देशों के मुकाबले हमारे यहाँ स्थिति काफी नियंत्रण में है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि आने वाले 2 से 3 सप्ताह बेहद अहम हैं। हर्षवर्धन ने अस्पताल के निरीक्षण के दौरान वहां तमाम डॉक्टर्स और नर्सेस से मुलाकात की। कुछ दिनों से हम लोग जो अपने डाटा का एनालिसिस कर रहे हैं वो भी हम लोगों को बहुत संतोष देता है। लगातार हर रोज का जो डाटा एनालिसिस है वो पिछले दिन से बेहतर परिस्थितियों का वर्णन करता है। हमारा जो पेशेंट्स के संदर्भ में जो ग्रोथ रेट है, या जिसको आप डबलिंग रेट अगर कहें, तो अगर वो हम लास्ट 14 डेज का जब कैलकुलेट करते हैं तो वो 6.2 था। लास्ट 7 डेज का जब हमने कैलकुलेट किया तो वो 7.2 हो गया। और आज जब हम आखिरी 3 दिन का कैलकुलेट करें तो ये 9.7 हो गया। ये अपने आप में बहुत अच्छा इंडिकेशन है। देश के लोगों से फिर मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी तक जो आपने लॉकडाउन के अंदर डिसिप्लिन का परिचय दिया है, थोड़े दिन और उसका परिचय दीजिए। हरिद्वार में मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोकने पर एक मौलाना की मारपीट की गई। मारपीट का आरोप बीएसपी के पूर्व विधायक सरवत करीम अंसारी पर लगा है। दावा है कि लॉकडाउन के बीच बीएसपी नेता अपने कुछ साथियों को लेकर मस्जिद में नमाज पढ़ने पहुंचे थे, जिसका मौलाना ने विरोध किया। आरोप है कि विरोध करने से नाराज होकर बीएसपी नेता ने मौलाना की पिटाई कर दी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मारपीट के आरोप में बीएसपी नेता सरवत करीम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तबलीग से जुड़े 2 लोगों ने क्वारंटीन सेंटर से भागने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया। दोनों को दोबारा क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया गया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिला अस्पताल में तबलीग से जुड़े 12 लोगों को 16 अप्रैल को क्वारंटीन किया गया था। तबलीगी जमात के बाद अब रोहिंग्या समुदाय कोरोना से लड़ाई में देश के लिए खतरा बन सकता है। माना यह जा रहा है कि रोहिंग्या समुदाय के भी कई लोग तबलीगी जमात के मरकज में शामिल हुए थे, जिसके बाद बहुत से लोग अपने कैंप में लौटे नहीं हैं, यानी कि वो गायब हैं। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है और उनका पता लगाने के निर्देश दिए हैं। तबलीगी जमात के बाद अब रोहिंग्या समुदाय कोरोना बम साबित हो सकता है। पूरे देश ने देखा कि कैसे तबलीग की एक चूक ने पूरे देश को एक बड़े खतरे में डाल दिया। अब इस लिस्ट में रोहिंग्या समुदाय का नाम भी जुड़ सकता है, जिसके तार जुड़ते हैं तबलीगी जमात से। रोहिंग्या समुदाय के लोगों ने तबलीग के कई आयोजनों में हिस्सा लिया था। वो हरियाणा में मेवात के साथ दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में भी शामिल हुए थे। इसके बाद इन लोगों को अपने अगले शिविरों में जाना था, जो तेलंगाना, जम्मू, पंजाब और दिल्ली में लगे थे। लेकिन रोहिंग्या समुदाय के कई लोग इन शिविरों में नहीं पहुंचे। आशंका ये जताई जा रही है कि जो गायब हैं वो कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार वो लोग गायब क्यों हुए और गायब होने के बाद आखिरकार रोहिंग्या समुदाय के लोग गए कहां? ऐसे में जमात की एक भूल जो कोरोना वायरस खतरे को लेकर इतनी भारी पड़ गई थी, अब रोहिंग्या प्रकरण ने एक बार फिर बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए कई लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमण मिला था। ऐसे में माना जा रहा है कि उनके साथ आयोजनों में शामिल हुए रोहिंग्या समुदाय के लोगों को भी संक्रमण जरूर हुआ होगा। ऐसे में कुछ लोगों का गायब होना एक बड़ा खतरा है। ये तो एक बहुत बड़ा टाइम बॉम्ब है।
इस देश को इससे निपटना पड़ेगा। हमारे देश में करीब 40,000 रोहिंग्याज अभी भी रिफ्यूजीज हैं और डिफरेंट कैंप्स में है, हैदराबाद, पंजाब, जम्मू, दिल्ली। तो आप समझ सकते हैं कि इनका अब ट्रैकिंग डिटेक्शन कितना महत्वपूर्ण हो गया है। मरकज में जम्मू शिविर में केवल 8 रोहिंग्या समुदाय के लोग लौटे थे, सभी में संक्रमण पाया गया था। प्रशासन ने उन्हें क्वारंटीन में भेज दिया था। अब इसी बात का अंदाजा लगा लीजिए कि देश पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। रोहिंग्या समुदाय के जरिए कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे को लेकर गृह मंत्रालय इतना गंभीर है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सारे राज्यों को चिट्ठी लिखी गई है और उसमें स्पष्ट ही कहा गया है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये वही लोग थे जो मरकज गए थे और उसके बाद वापस नहीं लौटे हैं अपने कैंप में। गृह मंत्रालय ने अपने इस पत्र में लिखा है कि ऐसी सूचना है कि रोहिंग्या समुदाय के कई लोग तबलीगी जमात के धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल हुए थे, उनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने की आशंका है, इसलिए अपने क्षेत्र में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों की COVID-19 जांच कराएं। देश के अलग अलग हिस्सों में करीब 40,000 रोहिंग्या समुदाय के लोग रहते हैं, कुछ शिविरों में लौटे थे और कुछ नहीं। जो गायब हो गए वो जरूरी नहीं है कि घर पर मिले, यानी तबलीग के बाद रोहिंग्या समुदाय देश के लिए बड़ा सरदर्द साबित हो सकता है। पुलिस हमारी और हेल्थ वर्कर्स पहले ही स्ट्रेस्ड हैं इस काम में, और यदि रोहिंग्या का भी केस इस तरीके से आगे बढ़ता है तो हमारे पुलिस फोर्सेस को और हेल्थ वर्कर्स को काफ़ी दिक्कतें आने वाली हैं। अमित शाह की अगुवाई में गृह मंत्रालय और राज्यों की पुलिस काम में जुट गई है। आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। बस चिंता इसी बात की है कि तबलीग के बाद रोहिंग्या समुदाय देश के लिए कोरोना बम ना साबित हो जाए। दिल्ली पुलिस के एक और कांस्टेबल को कोरोना हो गया है। ये कांस्टेबल तिलक नगर थाने के तिलक विहार चौकी में तैनात था। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कांस्टेबल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, तिलक नगर थाने की चौकी में तैनात था ये कांस्टेबल, पॉजिटिव आने पर कांस्टेबल को अस्पताल में भर्ती किया गया है। दिल्ली पुलिस का एक और कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ये कांस्टेबल तिलक नगर थाने की तिलक विहार चौकी में तैनात है।